बता कौन है तू और इस देवकी की मदद क्यों कर रही है, वरना यही तेरा सर काट दूंगी मैं। तेरी इतनी औकात कि तू चुड़ैल के नाक के नीचे उसे धोखा देने का सोच रही है। लगता है मेरा असली रूप दुनिया भूल गई है। अब तेरी मौत के जरिए अपने डर का परचम लहराना पड़ेगा मुझे। ये काली कहाँ रह गई? ये अभी तक मोहिनी से मिलकर आई क्यों नहीं? मैं देख के आता हूँ। रुक जा, इसे मत मार। ये तेरी दुश्मन नहीं बल्कि तेरी दोस्त है। इसमें इस बेचारी की कोई गलती ही नहीं है। मुझे धोखा देने वाली तुझे बेचारी नजर आ रही है मोहिनी। ये काली तो इस देवकी के वश में थी। क्या? हाँ, अब देना मोहिनी को जवाब कि तू इस देवकी के शरीर के साथ यहां क्या कर रही है। मोहिनी, सर काटने से मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती तू सौतन। मोहिनी को सच्चाई मैं इस हालत में भी बता सकती हूँ। मोहिनी, तेरी हर टेढ़ी चाल के जवाब के साथ आई हूँ मैं, समझी? ये है मुंह चिपकाने वाला गम। तेरे मुंह में जाते ही तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मोहिनी, शरीर वापस देके मैंने जिंदगी भर के कर्जदार बना दिया आपने तो। ये कर्ज नहीं, ये मेरा फर्ज था। खेल शुरू करें। आपको डीके के कपड़े बदलने होंगे और मुझे इसकी शक्ल। लेके जा रही थी तो मुझे भी लगा कि ये हमें धोखा दे रही है। ये आवाज कहां से आई? ये तो बंद है, यहां से कैसे आवाज आएगी? और यहां क्या करेगी काली? कहीं और जाके ढूंढता हूं। मैं इसके पीछे पीछे शमशान गई। इस देवकी का सर इसे ऑर्डर दे रहा था कि इसका शरीर कहां मिलेगा, कहां से निकालेंगे वगैरह वगैरह। ये काली तो बिचारी इस देवकी की कठपुतली बनकर इसकी सारी बात मान रही थी। तो फिर इस काली को होश कैसे आया? मैं बताती हूँ मोहिनी जी, अपना शरीर देखकर पगला गई थी ये बुढ़िया। चिल्ला रही थी हंसी के मारे, थारे को बर्बाद करने के सपने देख रही थी। फिर इसकी चिल्लाहट में मने होश आ गया। इसके दावे ने तेरे लिए इसकी वफादारी को झकझोर दिया।
काली तो देवकी पे हमला करने ही वाली थी, लेकिन देवकी ठहरी चुड़ैल, इसने काली का गला दबा दिया। और तू वहां चुपचाप चूहे की तरह तमाशा देख रही थी। क्या हुआ, उछल क्यों रही है? मोहिनी जी, वो इतना सब हो गया ना, डर गई है बेचारी। फिर क्या हुआ? फिर इसने देवकी पर हमला किया, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं मान गई कि ये तेरी दुश्मन नहीं बल्कि तेरी सबसे अच्छी सहेली है। मैं इसकी मदद करने के लिए गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हाथ तो कटे हुए हैं। पर मुझे ये बताओ कि ये मरकर जिंदा कैसे हुई? और फिर अचानक से एक चमत्कार हो गया और मैं होश में आ गई। वो तो शायद भगवान की मर्जी, मतलब शैतान की मर्जी थी कि मैं थारी इतनी सेवा करूं, तो मैंने होश आ गया, जिंदा वापस हो गई मैं। और इधर मैं देवकी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक तो इस काली ने देवकी के सर को काट दिया और उसके पूरे शरीर को तबाह कर दिया। वो तो मैं आपकी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ, अगर आ ना होती तुम्हारी तो। नहीं नहीं मोहिनी, ये तो ऐसे ही बोल रही है। सच बात तो ये है कि अगर ये नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अगर आज हम दोनों नहीं होते तो आप कब की चुड़ैल बन चुकी होती। दोस्ती की आड़ में इतना ज्यादा बड़ा धोखा दिया तूने मुझे जबरी, क्यों? ये सब नाटक इसलिए क्योंकि तुम्हें उस लड़की का नाम जानना था, उसके बारे में जानना था जिससे मैं प्यार करता हूँ। एक धोखे की उम्मीद नहीं की थी मैंने तुझसे। तुम तो धोखे की बात करो ही मत बनराज, मैंने तो बस एक छोटा सा झूठ बोला और तूने तूने तुम्हारी पूरी जिंदगी धोखे में बदल दी। बिल्कुल चुप। क्यों क्यों चुप करूं मैं? सच बोला तो मिर्ची लग गई, धोखे की बड़ी माला टप रहा है ना तू वनराज। तो सुन, इन सब की शुरुआत ना तूने ही की थी। पहले मार से शादी का वादा करता है और वक्त आने पे उस चुड़ैल को उठा के ले आता है। तो एक बार कान खोल के सुन ले तू वनराज, ये झुमरी है ना इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से तो नहीं, साथ तो थारी मार से होके रहेगी और इसके लिए अगर मुझे उस डायन को मारना भी पड़े ना तो मार दूंगी। मारेगी तू उसको, मारेगी ना, उसको मारने का सोचेगी भी ना। वनराज से पहले मार दूंगा। छोड़ दो झुमरी को, ये क्या कर रहे हो वनराज? छोड़ दो झुमरी को, छोड़ दो वनराज। वनराज ये क्या कर रहे हो वनराज? छोड़ दो। ये तेरी लापरवाही के लिए कितनी बार बोला है तुझे कि अपना ख्याल रखा कर, तो फिर तो क्यों पड़ी इन सब में? इसमें इसकी क्या गलती है मोहिनी? ये तो इस देवकी के वश में थी और तू इसे ही मार रही है। अरे डोकनी, अब तूने कौन सी भांग की गोली खा ली है जो अपना सर हिला हिला के मर रही है? शायद इसलिए अफसोस मना रही है क्योंकि खाली ने तेरा शरीर जो खत्म कर दिया। गूंगी हो गई है क्या? बोल। मैं बताती हूँ मोहिनी जी। मोहिनी जी, न जाने कौन सा मंत्र पढ़ रही थी, मैंने लगा कि ये मैंने वापस वश में कर लेगी, इसलिए 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 क्या? वा का मुंह बंद करने के लिए मैंने गोन पिला दिया तूने इसे। बहुत अच्छा किया तूने काली,
बहुत अच्छी सजा दी है तूने इसे। अब इसे मैं पिंजरे में बंद कर देती हूँ। काली तू दोबारा तहखाने में नहीं आएगी। इसे खाना खिलाने भी डीके आएगी। क्या पता तुझे दोबारा वश में कर लिया तो। चलती हूँ, राणा मेरा इंतजार कर रहा है। अब कोई नहीं आएगा यहाँ। सड़ती रही यहाँ पर अकेली, क्योंकि जिनके लिए मैं यहाँ आती थी उन्हें तो अब मैं बाहर लेके जा रही हूँ। वैसे डीके, तेरी वो मोहिनी ना है तो एक नंबर की बुद्धू। कहने को तो इतनी बड़ी चुड़ैल, रेत की दुल्हन, रण की रानी, लेकिन एक मिनट में उल्लू बन गई वो। अपनी दोस्त तक को नहीं पहचान पाई वो। ओफो। मेरी दाइमा को यहाँ कैद करके रखा था ना तूने, अब पड़ी रहे यहाँ पर। जितने भी जुल्म किए ना तूने सब पर, उन सब की सजा मिलेगी तुझे। और वो ये होगी कि हम तेरे शरीर को बर्बाद कर देंगे। अब तुझे तेरा शरीर कभी नहीं मिलेगा। कोई भी मेरे और पंद्रह कान खोल के सुन लो सब। जो कोई भी मेरे और मेरे प्यार के बीच में आएगा ना, उसको जान से मार दूंगा। वो चाहे तू हो, आप हो, तो सिर्फ शुरुआत है। अब बहुत जल्द मोहिनी की लंका में भी ऐसे ही आग लगेगी। ये हमारी पहली जीत है दाइमा। ये डीके जो मोहिनी का सबसे बड़ा सपोर्ट थी, उसकी राजदार, उसकी पक्की सहेली, आज मोहिनी का दाहिना हाथ हमने उससे छीन लिया। और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। दाइमा, अब जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम मोहिनी को आसानी से हरा देंगे। क्या हुआ दाइमा? कुबरानी साहब, आप मन्ने आपकी हिम्मत समझ रहे हैं, पर मोहिनी ने इतने दिन मन्ने अपने कब्जे में रख के मन्ने कमजोर कर दियो है। अब जिसमें खुद में ही हिम्मत ना हो, वो आपकी शक्ति या आपकी ताकत कैसे बन सकती है? मेरी दाइमा कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। चाहे कितनी भी तकलीफें, कितने भी अत्याचार क्यों ना कर ले वो मोहिनी, लेकिन वो आपको नहीं तोड़ सकती दाइमा, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपकी वफादारी में है। अब बस अपने आप को समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर कुबरानी सा, इन हाथों का क्या करें? मोहिनी या
वाके घाघरा पलटन ने देख लियो तो उसका प्लान भी मैं सोच लूंगी। आप देखना, राम, दादी माँ, बहरामगढ़, इन सबको मोहिनी के चंगुल से आजादी मिलेगी। और इस प्लान में मुझे सबसे पहले राम को बचाना है, क्योंकि मोहिनी कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। आपने कैसे पता? क्योंकि दाइमा, मैंने उसे किसी रेत पिशाच के बारे में बात करते हुए सुना था। रेत पिशाच? हाँ। रेत पिशाच के पास जाकर बहुत सही काम किया मैंने। उनके सिवा ये प्लान मुझे कोई नहीं बता सकता था। बहुत गुरूर है ना राणा को अपने इंसान होने पर, तो ये चुड़ैल उसका ये गुरूर तोड़ेगी। उसका घमंड, उसका गर्व अपने पैरों तले ना रौंद दिया तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। रेत पिशाच के इस प्लान को बहुत जल्द अंजाम दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले अपने राणा के साथ थोड़ा एंजॉय तो कर लूं। हे मां भगवती। दाइमा क्या हुआ, आप ऐसे चौंक क्यों गई हैं? रानी साहब, अगर वह मोहिनी उस रेत पिशाच के पास गई है तो कुछ बहुत बुरा करने वाली है। और जब वह वहां से लौटेगी तो कुछ ऐसा भयंकर करेगी कि जिसे रोकना या पलटवार करना घड़ों मुश्किल होगा। काली मोहिनी के साथ अकेली है, अगर मोहिनी ने उसे कुछ कर दिया तो, अगर काली मोहिनी का गुस्सा नहीं झेल पाई तो। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं चाहता हूं मोहिनी को समझा कर रहता हूं। आ गया तुमने मुझे और मोहिनी, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं मेरे कमरे में इंसानों की तरह चल के आया करो, चुड़ैलों की तरह हवा में उड़के नहीं। और पिछली दो बार से तुम मुझसे मिलकर गायब हो रही हो, कहाँ गई थी तुम? कुछ जरूरी काम आ गया था राणा, सॉरी। और अभी तो मैं चलकर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था। I'm very happy, Rana. आज तुमने बहुत दिनों के बाद कहा कि तुम मेरे पास खुद आ रहे थे। वो काली, मोहिनी मुझे तुमसे बात करनी है काली को लेकर। वो रात सिर्फ तुम्हारी और मेरी हैरानी। की कर रही है या चुड़ैल, ये जानते हुए भी कि ये अगर कुंवर सा के करीब गई तो अपने असली रूप में आ जाएगी। दाइमा ये कुछ भी कर ले, राम इसे वैसे भी हाथ नहीं लगाने वाला। इतना भरोसा है मुझे मेरे राम पर। इस चुड़ैल का प्लान तो कुछ और ही है। गली गली
आखिर ये कर क्या रही है?